गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। पहले चाय पीते हैं और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी। It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. चने की दाल में नमक और हल्दी डाल के बॉईल करके रख दिया था और यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, सूखी मिर्च, लौंग और छोटी वाली इलायची। अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो अनियन भी ऐड कर दिया है और लास्ट में टमाटर। मसाले में डाला है नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर। मसाला भुन चुका है, इसमें दाल ऐड कर दिया है। थोड़ी देर दाल को मसाले के साथ भून लूंगी, उसके बाद इसमें गरम पानी ऐड कर दूंगी। धनिया भी ऐड कर दिया है और अब ना लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर तक बॉयल होने देंगे। यहाँ पे बना रही हूँ तड़का। घी में डाला है क्रश्ड धनिया, सूखी मिर्च और कश्मीरी चिली पाउडर। एक ना यहाँ पे स्टोर है बल्क बार्न करके, जहाँ पे आप डिफरेंट चीजें, सारे इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो, लाइक खुले में मिलता है। आप उठाओ, पैकेट लेने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ले लो। और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस, फ्लेवर्स की चीजें, कॉफी, टी, लाइक जो भी आप सोच सकते हो इंग्रेडिएंट्स वो वहाँ पे मिलती हैं। तो हमारा जाना होता नहीं है फ्रिक्वेंटली, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मेनली जो मुझे लेना है ना वो है कॉर्न स्टार्च। पता नहीं मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी, या फिर हम सही जगह ढूंढ नहीं रहे हैं, जो भी रीज़न हो। और मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे चलते हैं। और कॉफ़ी बीन्स लेनी है। अब उस कॉफ़ी बीन्स का क्या होने वाला है वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट कॉफ़ी बीन्स लेनी है, और स्पेशली अगर नई चीज़ ट्राई करनी है ना, तो उसके लिए ऐसा स्टोर बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा लो, ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ला सकते हो। और कॉस्को जैसे स्टोर में अगर चले गए और आपने नई चीज ट्राई कर ली और वो आपको अच्छी नहीं लगी, तो गई भैंस पानी में। बड़ा ही अच्छा मौसम है, धूप है, टेम्परेचर भी ठीक है, और स्नो पे जब धूप पड़ती है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा शाइन करता है। प्यारा तो शाइन नहीं करता, आंखें चुंधिया जाती हैं। सनग्लासेस इसीलिए तो यूज करते हैं यहाँ पे मोस्टली लोग। और घरों के छत पे ना बड़ा अच्छा लगता है, सब एक जैसे, एक मेजरमेंट जैसे लगता है, सही में मेजर करके स्नो पड़ी है, एक जैसा वो डिजाइन बन जाता है, लेयर बन जाता है स्नो का। Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग कॉफी मशीन शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू मैकलपू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. कॉफी पीने की तैयारी चल रही है और यही कारण था कि स्पेशली बल्क बार्न जाके कॉफी बीन्स लाई गई हैं। और उसके बाद जाके अलग से मैं स्टारबक्स भी लेके आया हूँ, क्योंकि पहली वाली तो खत्म हो गई एक्सपेरिमेंट करने में ही। बड़ा मजेदार है, ठंड में कॉफी मिल गई है किसी को। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चाय छोड़ दी है इन्होंने, अब ये कॉफी स्टार्ट करने वाले हैं। और सोने पे सुहागा, ये कॉफी मशीन हमें गिफ्ट में भेजा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? स्टाइलिश नेम है कंपनी का भी। और इसमें 16 टाइप्स की बनती है, मतलब एक पसंद नहीं आई दूसरी पसंद नहीं आई, मतलब एक पसंद आ गई चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, बोर नहीं हो गए। और इसमें दो ऑप्शन है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को कॉफी तो नहीं दे सकते, तो दूध, तो दूध इसमें फटाफट से गर्म हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉथ वाला जो मिल्क बनता है ना, चॉकलेट मिल्क। गेस्ट आए तो उनसे बस 16 ऑप्शन से मेनू में चलो कॉफी शॉप खोल लो, सबसे अच्छा बिजनेस माइंड रखो, कॉफी शॉप खोल डालो। बिल्कुल मस्त, चलो
तो ये हमने अभी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखा है, बाद में इसको मैं बेसमेंट वाले किचन में रख दूंगी, आप अपना ऑफिस का काम करते रहना और कॉफी पीते रहना। गुड आइडिया। वैसे भी छुट्टियां तो आने वाली हैं। हाँ, क्रिसमस वेकेशन, दिन भर काम करना और शाम को कॉफी पीना और रात को जग के सीरीज देखना, पूरा सेट है हॉलीडे। ये है इसका वॉटर कंटेनर, तो इसको निकाला, ये आप इसका हैंडल और ये ऐसे बाहर। अब इसको फिल करेंगे, इस पे देखोगे ना यहाँ पे मैक्स लेवल लिखा होगा, यहाँ तक आप फिल कर सकते हो। कॉफी बीन्स भी यूज कर सकते हैं और कॉफी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। कॉफी हाँ पाउ, लेकिन वो इंस्टेंट वाला नहीं। अच्छा, जो इंस्टेंट कॉफी आती है वो वाला पाउडर नहीं, जो कॉफी ग्राउंड्स आते हैं वो यूज कर सकते हो, लेकिन जब बीन्स ये है ज्यादा अच्छा। बीन्स यूज करो क्योंकि वो उसको खुद से ग्राइंड करता है। हाँ, फ्रेश है ना, लेवल्स है कि आपको कितना उसको ग्राइंड करना है। हाँ, जो कॉफी लवर्स है वो तो इस चीज को जरूर समझ जाएंगे। हाँ, कि इसका फ्लेवर अलग ही होगा। और ये इसका ढक्कन है, ये यहाँ रखा और इसको बंद कर दिया। इस पाइप को डाल दो इसमें और एक कप लो, यहाँ रखो। इसमें ये है कि अगर कप छोटा बड़ा है तो आप इसको, इसका जो स्पाउट है उसको नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वैसे ही इसका जो ये है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका जो ऑन ऑफ का स्विच है वो यहाँ पीछे है, इसको प्रेस करना है जस्ट फॉर 3 सेकेंड्स। ये इसकी स्क्रीन आ जाएगी, स्क्रीन इसकी बहुत मस्त है, इसका जो डिस्प्ले आ रहा है ना इतना क्रिस्प है। बताओ भाई दोस्तों कौन सी वाली कॉफी पीनी है, हम वही बनाएंगे। देखो हमारे पास कितनी सारी ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शन यहाँ होगी जिसमें एक है हॉट मिल्क फॉर्म, 8 ऑप्शंस यहाँ हैं जिसमें एक है हॉट मिल्क, हॉट वाटर एंड पूरा पॉट भी बना सकते हो। तो आज आप क्या पीना पसंद करेंगे? आज हम पियेंगे कैपुचिनो। चलो Just give me a little bit longer. Okay, yeah, we are, yeah, 100%. Please enjoy. So, ये process complete हो गया, but हाँ, carefully इसको up कर लेना and इसको निकाल लेना and enjoy. आज मैं फ्रेम में नहीं आऊंगी, हमेशा मैं चाय का चीयर्स करती हूँ, कॉफी का चीयर्स करेंगे ये। जिसको जो पसंद है उसको वही चीयर्स करना चाहिए। मजेदार है, ऑटोमेटिक क्लीनिंग है इसका। अभी जो कॉफी यूज किया है उसका देखो कैसे एक नाइस केक सा बन के आ गया। इसके जो बटन है इसको यहाँ से प्रेस करो तो ये वाला डोर खुल जाएगा, और फिर इस वाली चीज को निकालो, जो भी ग्राउंड होता है जब, तो वो सारा का सारा इसमें जाता है, तो इसको ऐसे नीचे प्रेस करो और बाहर निकाल लो, तो इसमें आपको थोड़ा सा वहां पे देखो कॉफी दिख जाएगा अंदर में। तो इसको भी क्लीन करने के लिए इधर आओ, पैक चलाओ। क्लीनिंग प्रोसेस भी काफी इजी है इसका, ज्यादा तामझाम नहीं है। ये कॉफी मशीन अमेजोन पे अवेलेबल है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, इनकेस आप चेक करना चाहो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जरूर चेक कर लेना। बहुत टाइम से सोच रही थी वाला ड्रॉअर ऑर्गेनाइज करूंगी, तो जो भी मिला था ना सारा कुछ डाल दिया था ड्रॉअर में, बच्चों के बुक्स भी, तो ये ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और ये वाला बॉक्स ना मैं वॉशरूम में ही रखती थी, अभी भी रखूंगी, बट इसमें जो भी मेरी चीजें है ना डेली यूज की, काजल, आईलाइनर, जो लिप कलर सिंपल वाला जो एवरीडे बेसिस पे यूज करती हूँ ना, वो सारा इसमें। और काफी बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस जाने के टाइम बाथरूम में कोई है, अब इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई होता ही, और उस चक्कर में या तो मैं लेट हो जाती हूँ या तो फिर मैं ऐसे ही पागल बन के चले जाती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैं अगर काजल ना लगाऊ ना बहुत ज्यादा बीमार लगती हूँ, मतलब कभी अगर जूम कॉल हो गया ना ऑफिस में और उस दिन मैं काजल लगा के नहीं गई हूँ तो मैं अपने आप को ही देख के मुझे लगता है कि मैं कितनी बीमार लग रही हूँ। इस तरह के ना बॉक्सेस मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी, चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए ना अच्छी रहती है, ऐसे ड्रॉअर ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे छोटे छोटे लेके आई थी कि जिस तरह का आपका ड्रॉअर है ना उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज हो जाता है। इस तरह के डिवाइडर्स होते हैं तो आराम से आप किसी में इयर रिंग्स रख लो, नेकलेसेस रख लो, रॉ बैंड रख लो, क्लिप रख लो, तो इजी रहता है। और इस तरह के बॉक्सेस में ना चूड़ियां रख लेती हूँ, बहुत ज्यादा तो मेरे पास है नहीं, जो है वही रख लेती हूँ। और ये पता है
शाखा है मेरी शादी वाला, अभी भी इसमें ना वो सिंदूर का माँक होता है ना वो लगा हुआ है, और इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत कम पहनती, क्योंकि ये जो प्योर वाले शाखा होते हैं ना ये बहुत कमजोर होते हैं, काम करते करते कहीं पे अगर लग गया ना तो टूट जाता है, तो एक मन में वो हो जाता है, मैं तो समझ गया ना आप शादी का है, तो इसलिए मैं इसको बहुत बचा के पहनती हूँ, और ये पॉला तो मैं पहने रखती हूँ, ये भी शादी वाला ही है, तो पतला पतला था ये, तो रबर बैंड है हमेशा ही रहता है मेरे हाथों में, तो ये पतला वाला ये, और ये लास्ट न्यू ईयर पे ना मेरी फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था, ऐसे वो क्रीम हैंड क्रीम यूज ही नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। जब मैंने इस रूम का डेकोर शेयर किया था ना तो बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि इस वाले कॉर्नर पे मिरर ना रख के एक चेयर रखती हूँ और वो जो लाइट था वो इस कॉर्नर पे देती। आई कम्प्लीटली अग्री, वो लाइट देखने के बाद मुझे भी यही ख्याल आया था, लेकिन किंतु परंतु अगर आप इस रूम का पहला डेकोर देखोगे, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तब जब मैंने डेकोर किया था, तो यहाँ पे कॉर्नर में मैंने एक चेयर रखा था, और बड़ी खुशी से आप लोगों को भी बताया था कि ये मेरा रीडिंग कॉर्नर होगा, मैं यहाँ पे अपने साथ टाइम व्यतीत करूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। इस चेयर पे ना ढेर सारे कपड़े, टॉयज, पिलोज, कुशंस यही पड़े होते थे, मैं कभी नहीं मिली उस चेयर पे, इसलिए मैंने वो चेयर नहीं रखा कि उसको देख के ना बड़ा मन दुखी होता है कि वो यूज नहीं हो रहा है सही तरह से, और ये मिरर है तो ये मेरे लिए बड़े काम की चीज है, वॉशरूम हमेशा बिजी रहता है तो मुझे तैयार होना, तो मैं आराम से रूम बंद करके यहाँ पे तैयार हो सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सेटिंग इस बारी का, जो भी रूम का सेटिंग है। और लाइट का कॉर्नर मैंने इसलिए बेड के पास रखा है कि वहां पे एटलीस्ट मैं उस लाइट को एंजॉय तो कर पाऊंगी, यहाँ पे होता तो कभी नहीं एंजॉय कर पाती। और इस चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ से लिया है, तो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है वेफेयर से, ये जो दो साइड टेबल्स हैं, बेड साइड टेबल्स हैं वो है विनर्स से, और यहाँ वाला जो कैनवस है वो है अमेजोन से, तो इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने शेयर किया था, फिर इस टाइम मैं भूल गई शेयर करना, मुझे लगा शेयर तो कर चुकी हूँ, बट आई अग्री नए दोस्त आते हैं तो उनको पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, गाने वाने सुनती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, लास्ट ईयर लिया था ना ब्लूटूथ वाला, बाहर के शोरगुल से दूर अपनी दुनिया में। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरी। आई नो आप लोगों ने बोला था कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जरूर शेयर करना, तो अभी इतना सारा क्लटर है ना कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर लूंगी। ओके चलो बाय बाय। With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose.